नमस्कार, एमपी न्यूज़कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। फतेहपुर जिले के विजयपुर ब्लॉक के गांव उमरा का निरीक्षण किया करते हुए देखा कि रास्ते में बने शौचालय निर्माण को देखते ही भरकोटे ग्राम प्रधान, पंचायत मित्र और ग्राम विकास अधिकारी पर और गाँव वालों को नीम की पत्तियों का धुआं करना और जंगली पत्तियों के साग सब्जी खाने के फायदे बताए। और आप लोगों को बताते चलें कि तीन दिन पहले किशनपुर थाना क्षेत्र के खंतवा गांव में लेग पाल गए थे पैमाइश करने, तभी दो पक्षों में मारपीट हो गई थी। जब आज खागा क्षेत्राधिकारी खागा उप जिलाधिकारी प्रहलाद सिंह और किशनपुर थाना प्रभारी के साथ पुलिस खंतवा गांव पहुंचे तो वहां सात लोग तालाब में मछली पकड़ने के लिए जाल लेकर गए थे, तभी उन सभी को पकड़कर किशनपुर थाना भेजा गया। इस गांव के नजीर पुत्र बुलाकी उर्फ हनीफ और दूसरा पक्ष शरीफ अहमद पुत्र हिदायतुल्ला के बीच आपसी रंजिश का मामला सामने आया। लगभग डेढ़ साल पहले गोगशी का मुकदमा दर्ज हुआ था। शरीफ को शक था कि नजीर की मुखबिरी से ये सब हुआ और तीन दिन पहले जब लेखपाल एक आई जी आर एस संबंध में मौके पर जांच करने गए तभी दोनों पक्ष इकट्ठा थे, क्योंकि शरीफ ने तालाब में कब्जा कर रखा था और उस तालाब की मछली भी मारता है और एक लड़की से बात करने के विवाद में ये लोग झगड़ा किया, एक दूसरे को मारा भी, जिसमें नजीर की तरफ से छह लोग और शरीफ की तरफ से सात लोग घायल हुए थे। आज क्षेत्र भ्रमण कर रहे थे कि खंतवा गांव में सात लोगों को तालाब में मछली मारते पकड़ लिया गया, जिन्हें किशनपुर एसओ को दिया गया और इन लोगों के नाम मुकदमा दर्ज किया गया। एमपी न्यूज़कास्ट ब्यूरो संजय पटेल, कैमरामैन अजय मौर्य, फतेहपुर से। खाने को रहता था सब्जी और दाल, बाकी अनाज भी खत्म सा हो जाता था, तो मैक्सिमम लोग यही जो भी पत्तियां बढ़िया साग पाते थे खाने वाली, ठीक है, मकोए और 46 साल के हैं, हालांकि कम हो तो बाकी हम सोच रहे थे 50 के ऊपर होंगे, ठीक, तो जो 50 के ऊपर वाले हैं उनके सेहत में कोई खराबी नहीं है, स्वस्थ हैं और ये सब साग भात खा करके हैं। आज खीरी की दवा है तुम्हारे पास ही, नीम का पत्ता उस सिल बट्टे पे पीसो और पियो। कोरोना का मतलब है तुम्हारे शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए, ठीक है, और गांव वालों बढ़ा हुआ है, आप सबका सबका अच्छा है हम लोगों से, ठीक है, ये करो, उससे फैल रहा है इतने, लेकिन एक चीज गलत फहमी मत रहो, इतने हमारे हॉस्पिटल में खासपुर वाले भर्ती हैं, खागा तो कितने लोग हैं शहर के 5-6 केवल, 50 की संख्या है उसमें, सब गांव वाले हैं, दिल्ली से आए थे बम्बई से, ठीक है, ठीक है, ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि गांव में गंदगी ना हो। अब तुम लोग सफाई कर्मी के सहारे मत रहो कि सफाई कर्मी आवे तब मेरा दरवाजा साफ, थोड़ो बढ़ते चुका जहां आपकी गाड़ी से काम है, या तो लेकिन तोड़ के यहां बना ले और यहां पे रास्ता दे, दोनों से काम कर ले, क्या भाई हां बताओ। अभी अगर लैट्रिन सरकारी ना होती, इनकी अपनी पंक्ति वाली होती तभी गिरवा दे, हम उस समय रोका था कि नहीं ऑफिस नहीं प्रधान भी आप लोग तो सहमत हो गए थे, कहां सहमत हो गए जब हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही साहब, रिजर्वेशन भी लिखा गया तो ये लोग उसमें सहमत ही हो गए तो सिग्नेचर भी किए थे, हम कोई नहीं किए नहीं, चार तीन फीट इधर, हरामगिरी किया और कुछ नहीं किया।